वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी एंड व्यापम, और स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले आप जाने, यहाँ आपको सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। जैसे आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एमपीपीएससी के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको इस यूट्यूब चैनल में पढ़ाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो विकास YT, ये मेरा रेफरल कोड है, इसे यूज़ करना ना भूलें, इससे 10% ऑफ मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आज का जो कंटेंट जो अब हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में वो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और यू कैन से द अर्थ इंटीरियर। हम जानेंगे पृथ्वी के अंदर जो है क्या मटेरियल है, पृथ्वी के अंदर की संरचना क्या, स्ट्रक्चर क्या है, उस सबको आज समझते हैं। जैसा कि एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लिखा हुआ है, यहाँ द कन्फ्यूगरेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मीन्स द अर्थ इंटीरियर इज मोस्टली डिपेंड ऑन द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस, द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनेटिक क्रिएशंस। एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं और इंटरनल फोर्सेस जो हैं, ये जो फोर्सेस हैं इनसे ही जो है पूरा डिसाइड होता है कि किस प्रकार के लैंड फॉर्म्स जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, अगर एंडोजेनेटिक फोर्सेस देखें तो हम उनसे लैथोलिथ, फैकोलिथ, इस प्रकार के कई सारे फॉर्मेशंस होते हैं, जिसको हम प्लस हमारे क्लास में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप समझें, अर्थ इंटीरियर को समझना, अर्थ के अंदर की जानकारी को समझना क्यों जरूरी है, आखिर इसकी नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्या है अर्थ के इंटीरियर में जानने की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थ इंटीरियर को जानने से हमें कितने फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले पहला फायदा होने वाला है हमें, नेचर ऑफ चेंज ऑफ दैट टेक्स प्लेस ओवर द बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे जितने भी चेंजेस होने वाले हैं वो हमको समझ में आएंगे। इसको मैं पहला पॉइंट दे देता हूं यहां, नेचर ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर एंड बिलो ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे और अर्थ सरफेस के ऊपर क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस आपको कब समझ में आएंगे, जब आपको अर्थ का इंटीरियर समझ में आएगा दोस्तों। उसके बाद जो जियोफिजिकल फिनोमेना है, जैसे वॉल्केनो है, वॉल्केनिज्म है, अर्थक्वेक है ना, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सारे जो जियोफिजिकल फिनोमेना है ये आपको तब समझ में आएंगे जब आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता होगा कि आखिर अर्थ के इंटीरियर में है क्या, कहाँ सॉलिड मटेरियल है, कहाँ लिक्विड मटेरियल है ना, और मटेरियल में भी कौन सा मटेरियल है, कहाँ आपके जो है मॉल्टन मटेरियल में कहाँ कौन से मिनरल्स हैं, ये सब जानना ज़रूरी होता है। तो जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक, इनको समझने के लिए हमें अर्थ के इंटीरियर का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जितने भी सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, जैसे मेट्योर्स हैं, All that the planets and everything that comes from the same material. ये सब आपको मालूम है कि नेब्यूला से बने हुए हैं, तो जब हम इसके इंटीरियर को ट्रैक कर पाएंगे तो हम बता सकते हैं कि अदर प्लैनेट्स के अंदर भी कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो वो सब भी आप समझ सकते हैं। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, ये हमें समझ में आएगा। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो चौथा पॉइंट है फ्यूचर डीप सी मिनरल एक्सप्लोरेशन, इसमें भी हमें हेल्प मिलेगी कि अर्थ के इंटीरियर में हम कितना डीप जाएंगे और हमें वहाँ कौन से मिनरल्स मिल सकते हैं। तो मेटलर्जी प्रोसेस के लिए भी अर्थ के इंटीरियर को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग एड इन दिस, लेट सी द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो स्ट्रक्चर है और कंपोजिशन क्या है उसको हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसकी पूरी स्ट्रक्चर को आप समझें कि कितना पार्ट कितने पार्ट से बना है, मतलब कितना पार्ट जो है, कितना परसेंटेज जो है वो क्रस्ट का है, कितना परसेंटेज मेंटल का है, कितना परसेंटेज कोर का है, ये हमें यहाँ समझना होगा। तो आप समझ सकते हैं द कोर एंड मेंटल आर इक्वल इन थिकनेस बट द कोर ऑफ द अर्थ ओनली ऑक्यूपाइज 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। पूरे अर्थ वॉल्यूम का जो है कोर सिर्फ 15% कवर करता है, ये जैसा मैंने लिखा हुआ है। वेयर एज द मेंटल ऑक्यूपाइज 84% एंड द क्रस्ट ऑक्यूपाइज ओनली 1%। क्रस्ट ओनली 1%, मेंटल 84% एंड रिमेनिंग 15% वॉल्यूम इज कवर्ड बाय द कोर ओनली। तो थिकनेस तो देखिए सेम है, द कोर एंड मेंटल आर इक्वल इन थिकनेस, थिकनेस उनकी बराबर है लेकिन वॉल्यूम का कितना बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। ठीक है,
सबसे पहला कि कोर जो है उसका वॉल्यूम परसेंटेज देखा जाए पूरे क्रस्ट का, मतलब पूरे अर्थ का, तो 1% है, और जबकि आपका मेंटल का देखा जाए तो 84% है, और अगर हम कोर का देखते हैं तो वो 15% है। हालांकि कोर और मेंटल की थिकनेस सेम है, ऑलमोस्ट बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर सोर्सेस कौन कौन से हैं अर्थ के इंटीरियर में जानने के पृथ्वी के अंदर क्या है ना, इसको जानने के सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? तो भाई डायरेक्ट सोर्सेस में आप देखें, डायरेक्ट सोर्सेस दो पार्ट में आप तोड़ सकते हैं ना, डायरेक्ट सोर्सेस और इनडायरेक्ट सोर्सेस, ठीक है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन से हैं वो हम समझते हैं। इसका सबसे बढ़िया डायरेक्ट सोर्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है माइनिंग, खुदाई। हम जमीन के अंदर खुदाई करते हैं, जहां तक हम खुदाई कर पाते हैं, जितना मटेरियल हमें मिलता है हम उससे बता सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुने, PONENG, पोनेंग माइन इन अफ्रीका। पोनेंग माइन इन अफ्रीका, दिस इज अ गोल्ड माइन एक्चुअली, ये सोने की खदान है। जैसे हमारे यहाँ KGF चैप्टर 1 बनाता है कोलार गोल्ड फील्ड, है ना, वैसे ही पोनेंग माइन। पोनेंग माइन जो है अभी तक 3.9 किलोमीटर तक की डीपनेस तक इसमें जो है ड्रिलिंग हो चुकी है। तो डीपेस्ट ड्रिल्ड रीजन जो है अफ्रीका में वो पोनेंग माइन है अफ्रीका में, एज यू कैन सी, एंड इट इज अ गोल्ड माइन। गोल्ड माइन द डीपेस्ट ड्रिल एरिया एंड द डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, है ना, उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि इंटीरियर जो है उसमें क्या है। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, सरफेस रॉक है, सरफेस पर जो रॉक है उसका मटेरियल क्या है उससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक प्रोसेस से जो लावा बाहर निकला और सरफेस पर आकर जो इग्नियस रॉक्स बनी उनसे भी हम इंटीरियर के बारे में बता सकते हैं। तो दे आर द डायरेक्ट सोर्सेज एज यू कैन सी, है ना, ये सब आपके कहलाएंगे डायरेक्ट सोर्सेस। सरफेस रॉक नंबर 1, माइनिंग नंबर 2, पोनेंग माइन एंड टोटोना माइन अफ्रीका, एंड डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स उनसे, और चौथा है वॉल्केनिक इरप्शंस, है ना, ज्वालामुखी जो निकलते हैं उससे भी हम बता सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट, इनडायरेक्ट सोर्सेस। इनडायरेक्ट सोर्सेस, है ना, जो सीधे तरह से कनेक्टेड नहीं है, कैसे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला है मेट्योर्स। आपने पढ़ा होगा जब कॉस्मोलॉजी हम पढ़ते हैं तो सेलेस्टियल बॉडीज में मेट्योर्स एंड मेट्योराइट्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि मेट्योर्स जो हैं वो क्या है, आउटर स्पेस में फ्रीली मूव करते हैं, और ये किसी भी प्लैनेट के जो है इंटीरियर में, सॉरी एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो फ्रिक्शन के कारण जो है इनमें आग लगने लगती है, और ये दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार, जिन्हें आप कहते हैं टूटता तारा, एंड यू स्टार्ट मेकिंग योर विशेस। तो वो टूटता तारा नहीं होता दोस्त, एक्चुअली वो एक मेट्योर होता है। अब जो मेट्योर सरफेस पर आकर टकरा जाए तो उसे हम मेट्योराइट कहते हैं, व्हेन इट स्टक टू द सरफेस। दैट विच कंप्लीटली वंट आउट इन द एटमोस्फियर, इन द मीजोस्फियर तक, वहां वो जल के राख होता है, वो मेट्योर है, और जो जमीन पर आके टकरा जाए वो मेट्योराइट है। मेट्योराइट का एक बढ़िया एग्जाम्पल था, है ना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में, लोनार लेक इन महाराष्ट्र, दैट इज अ काइंड ऑफ क्रिएशन, ठीक है, मेट्योर्स का। तो मेट्योर्स जो धरती पर आकर टकराते हैं उनका जो मटेरियल है उसको स्टडी करके हम बता सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। इसके अलावा सेकंड आप देखें तो ग्रेविटेशन, दूसरा सेकंड फैक्टर ग्रेविटेशन। अर्थ के डिफरेंट अब पार्ट्स में आप जाए, क्रस्ट का देखें, मेंटल का देखें, कोर का देखें, तो ग्रेविटी का एक बड़ा डिफरेंस होता है। तो ग्रेविटी का डिफरेंस भी उसके अंदर जो है उसके मटेरियल को एक्सप्लेन करता है कि ये ग्रेविटी में डिफरेंस क्यों है। ग्रेविटी का डिफरेंस के अलावा भी हम डेंसिटी का डिफरेंस भी पे भी बात करेंगे कि जैसे कोर की डेंसिटी है अलग होती है, क्रस्ट की अलग है, मेंटल की अलग है। अगर आप क्रस्ट से कोर तक जाते हैं तो क्रस्ट का डेंसिटी लगभग 3 के आसपास होता है, 2.3 से लेके आगे बढ़ते हैं, और लेकिन जब हम मेंटल में पहुंचते हैं तो 5.76 के आसपास पहुंच जाते हैं, और जब हम कोर में पहुंचते हैं तो वो डेंसिटी बढ़कर 14 से 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 15 तक की डेंसिटी, ये सप्रेशन के कारण नहीं हो सकता, ये सिर्फ प्रेशर के कारण नहीं हो सकता, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं हो सकता दोस्तों, क्लियर है, कि 2 से डेंसिटी जो है वो 15 हो जाए, इतना क्या है? ये इंटेंसिव सप्रेशन, सप्रेशन के द्वारा अगर प्रेशर भी लगाते हैं तो 2 से 3 4 समझ में आता है, अगर सेम मटेरियल हो। इसका मतलब ये है कि अर्थ के इंटीरियर में अलग अलग मटेरियल है, और कोर में काफी डेंस मटेरियल है जिसके कारण उसकी डेंसिटी ज्यादा है,
हैवी मेटल्स हैं, जैसे निकल है, ठीक है, फेरस है, फेरस मीन्स आयरन, ये सारा मटेरियल कोर में है। मैग्नेटिक फील्ड है और सीस्मिक एक्टिविटीज़ हैं, ये भी काफ़ी कुछ हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताते हैं, जैसे पी वेव, एस वेव, है ना, और एल वेव। इन तो पी और एस का जो शैडो एरिया है, ये हमें बताता है कि कहाँ पर कैसा मटेरियल है ना, शैडो जोन्स ऑफ द प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, दैट विल बी एक्सप्लेन लेटर ऑन द इन द प्लस कोर्सेस। आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जानते हैं हम स्पेशल पार्ट्स के बारे में अनअकैडमी के। तो अनअकैडमी जो है, टाइमली टेस्ट सीरीज आपको फ्री टेस्ट सीरीज देने को मिलती हैं, तो प्लीज ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ऑल्सो। आप जैसे मैं कहूँ, प्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एमपीपीएससी एग्जाम को लेके, सिमिलरली वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेके। तो ऐसी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेटफॉर्म से टाइमली चलती रहती हैं, तो इन प्री टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बने और जरूर ज्वाइन करें, है ना। अपने प्रिपरेशन को आप बूस्ट करते रहें टाइमली, क्योंकि कंटेंट पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स जो फॉर्मेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कितना भी कंटेंट पढ़ा, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपसे आंसर नहीं बन रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं है फिर। इसके अलावा अभी हमारे जो कोर्सेज हैं उनकी मैं जानकारी आपको देता हूँ जो चल रहा है। अभी एक कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स चल रहा है हमारा एमपीएसआई के लिए, जिसमें हम पेपर वन और पेपर टू का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा एक कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स है हमारा एमपीपीएससी मेन्स पेपर टू को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स फॉर एमपीपीएससी मेन्स पेपर थ्री, है ना, पेपर थ्री के लिए भी हमारा एक कोर्स चल रहा है। तो इन कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी मदद आपको मिलने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और मेंस के कोर्सेज अभी ऑनगोइंग है, तो उन कोर्स का पार्ट बन के हम अपने प्रिपरेशन को बाकी लोगों से दो कदम आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं, आप मेरे अलावा भी ये सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आप जाके इनके क्लासेस भी चेक कर सकते हैं, यू कैन टेक द क्लासेस एज वेल। इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स या की फीचर्स की मैं बात करूं दोस्तों, तो अनअकैडमी जो आपको सुविधा देता है वो स्टडी फ्रॉम होम, आप अपने घर से पढ़ सकते हैं, आपको कहीं क्लासरूम प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली आप अपने मोबाइल लैपटॉप से आप घर पर अपने पढ़ सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मानता हूँ कि आप इफ यू आर एनी वेयर इन मध्य प्रदेश, एनी वेयर इन इंडिया, आप कहीं भी है, तो आप अपनी क्लास मिस नहीं कर पाएंगे और आप अपने टॉप एजुकेटर से कहीं भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यू कैन टेक द लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, अनअकैडमी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी देता है, कि आपके जो टाइमली आपके कोर्सेज में भी डाउट क्लासेस रखी जाती हैं, लाइव क्लासेस, उनमें आप अपने डाउट्स अपने फेवरेट एजुकेटर से आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। इसके अलावा आप देखें कि सिर्फ 17 रुपये पर डे, अगर आप डेली बेसिस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 17 रुपये पर डे में आप जो हैं अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, ये एक स्पेशल फीचर है। इसके अलावा मैं बात करूं, स्ट्रक्चर्ड लाइव एंड फ्री स्पेशल क्लासेस आपको मिलती हैं, जैसे मेरी स्पेशल क्लासेस आपको मेरे प्लेटफॉर्म पर जब आप मुझे फॉलो करेंगे तो ईजिली आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और वहाँ ये अल्टरनेटिव डेज में मैं स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, जिसमें आपको टाइमली, जैसे लगता है कि सर हमें, आप सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप एक क्लास ले लीजिए, हमें ये समझा दीजिए, या आईआर पर ले लीजिए, तो मज़ा आता है उनको समझने में। इस प्रकार की क्लासेस हम टाइमली लेते हैं ताकि आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकें। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ईएमआई ऑप्शंस भी हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से आप चाहें तो ईएमआई ऑप्शंस आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो क्या क्या प्लान्स है हमारे पास। तो 1 मंथ प्लान जो है वो आपको 1400 रुपीज़ का होता है, जिसमें आप अपने एजुकेटर जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनको सेलेक्ट करके आपको 10% ऑफ मिल जाता है, तो 1 मंथ के लिए आपको 1400 रुपये पे करने होते हैं। अगर आप 3 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसके चार्जेस हैं 3500, 3500 रुपये, जिसमें आपको पर मंथ ये 1167 रुपये हो जाएगा, 1167 रुपये। अगर आप 1 महीने लेते हैं तो 1400, 3 महीने लेते हैं तो मंथली चार्ज आपको 1167 रुपये पड़ता है। अगर आप 6 मंथ लेते हैं तो 5600 जो आपका प्लान है वो आपको 933 मंथली चार्ज पड़ जाता है। तो जैसे जैसे आप अपना प्लान का पीरियड बढ़ाएंगे, वैसे ऐसे आपका मंथली जो चार्जेस है वो घटते चले जाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जैसे 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 12 मंथ्स, तो 7000 उसका कोर्स चार्ज है कंप्लीट, जिसमें आपको मंथली देखेंगे तो 583 रुपीज़ का आपको ये प्लान पड़ेगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं, मतलब आप अगर ईएमआई चाहते हैं तो ये एक आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी प्लान आप प्रेफर कर सकते हैं।
इसके बाद मैं बात करूं तो कंटेंट पर हम वापस आते हैं जो हम पढ़ रहे थे दोस्तों, गेट बैक टू द सब्जेक्ट। ये मैंने एक इमेज ली हुई है, अर्थ के इंटीरियर को यहाँ हाईलाइट किया गया है। आप देख रहे हैं ये क्रस्ट वाला पार्ट आपको जैसे दिख रहा है, तो क्रस्ट 0 to 100 किलोमीटर थिकनेस होती है क्रस्ट की। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक मिडिल एरिया आपको बीच में यहाँ दिख रहा है अलग अलग क्रस्ट के पार्ट में, ठीक है। फिर यहाँ प्योरली दिस इज द मेंटल एरिया, मेंटल एरिया एंड दिस इज द कोर रीजन, कोर कोर मेंटल एंड क्रस्ट, इन तीन पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इंटीरियर को आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर। इसकी डिटेलिंग मैं आगे आपको कर रहा हूं, ध्यान से आप देखते जाइएगा। सबसे पहले जानते हैं क्रस्ट के बारे में, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द क्रस्ट। जैसा मैंने कंटेंट यहाँ लिखा हुआ उसको ध्यान से देखेंगे तो इजीली आपको समझ आएगा। द क्रस्ट इज द आउटर थिन लेयर विद द टोटल थिकनेस नॉर्मली बिटवीन 30 to 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर का इसका नॉर्मल थिकनेस होता है क्रस्ट का। बट दिस थिकनेस वेरीज प्लेस टू प्लेस, ये थिकनेस में आपको अंतर देखने को मिलेगा अलग अलग। जैसे मैं बात करूँ ओशनिक क्रस्ट, वो उसकी थिकनेस होती है 5 से 30 किलोमीटर के आसपास, 5 to 30 किलोमीटर थिकनेस किसकी, ओशनिक क्रस्ट की, जिस पर ओशंस होते हैं, महासागर बने हुए हैं। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से अगर इसकी तुलना की जाए तो 50 से 70 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस होती है, एंड समटाइम इट वेरीज अप टू 70 to 100 किलोमीटर, है ना। लाइक द रीजन्स लाइक हिमालय, हिमालय के जो जहाँ पर माउंटेन्स है, काफ़ी हाई माउंटेन्स है, वहाँ पर इसकी थिकनेस जो 100 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। इट फॉर्म्स अराउंड 0.5 to 1%, है ना, दिस इज 0.5 to 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। क्रस्ट जो है वो 0.5 से 1% वॉल्यूम कवर करता है कंप्लीट अर्थ का, एंड वी हैव द डिसकंटिन्यूटीज इन दैट, जिसको मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर बात करते हैं मेंटल, मेंटल की बात करें तो द पोर्सन बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। आप बियॉन्ड मीन्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगे वो आप समझ लीजिए, अप टू द 2900 किलोमीटर। देखिए 100 किलोमीटर की थिकनेस तक क्रस्ट है, 100 के बाद 2900 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो अप टू 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल चलता है, क्लियर है। अब मेंटल के बारे में जानते हैं, इसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो क्रस्ट से ज़्यादा है, दैट इज़ अराउंड 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी जो डेंसिटी एवरेज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी। अब इसका जो बीकर पार्ट होता है उसे हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर, द बीक स्फीयर, ठीक है। इसके कमजोर माना गया है क्योंकि यहाँ से ही मैग्मा जो है वो बाहर आता है लावा के रूप में, तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। जबकि लिथ मीन्स होता है रॉक, लिथोस्फीयर मीन्स रॉकी स्फीयर, इसके बारे में जाने तो ये जो क्रस्ट का पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है क्रस्ट का, जो सॉलिड पार्ट है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, जिस पर हमारा सेटलमेंट है और टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह एक्टिविटीज जो लिथोस्फीयर में ही आपको देखने को मिलती है। तो इसके वॉल्यूम की बात करें तो इट कवर्स 84% ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का 84% हिस्सा जो है मेंटल तैयार करता है। इसके बाद बात करें तो कोर, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इंटीरियर, ये आप देखें तो 2900 किलोमीटर से आप आगे बढ़ते जाइए और ये चलेगा लगभग 6400 किलोमीटर तक, 6378 किलोमीटर इन द अप्रोक्स फिगर इट इज 6400 किलोमीटर, जैसा ये लिखा जाता है, 6400 किलोमीटर इसकी रेडियस होती है दोस्तों, ठीक है। ये कितना बनाता है, ऑलमोस्ट 15%, है ना, उसको अगर 0.5 करते हैं तो 15 से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 16 आप इसे लिख सकते हैं। तो ये इट कवर्स अराउंड 16% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट इट। इसके अंदर कोर के अंदर हैवीएस्ट मिनरल्स हैं, जैसा मैंने आपको डेंसिटी वाले पार्ट में बताया था कि डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इट इज अराउंड 13 के आसपास पहुंच जाती है, तो 2 से लेके 2.5 से लेके 13 तक की जो डेंसिटी है, इतना वेरिएशन जो है वो प्रेशर के कारण नहीं हो सकता। दिस वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ द समथिंग हैवियर मटेरियल इनसाइड, और वो हैवियर मटेरियल क्या है, दैट इज निफे, निकिल एंड फेरस। निकिल एंड फेरस जो है मतलब आयरन और निकल के प्रेजेंस के कारण जो है कोर जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। गोइंग एट द अर्थ इंटीरियर बी ऑफ द डिस्कॉन्टिन्यूटीज, द गैप बिटवीन द टू स्पेयर्स, अलग अलग स्पेयर्स के बीच में जो गैप्स हैं उनको हम मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है कॉनरड डिस्कॉन्टिन्यूटी, एज इट इज रिटन कॉनरड डिस्कॉन्टिन्यूटी,
है ना, इस नाम से इसे जाना जाता है, डिसकंटिन्यूटी इज द गैप। उसके बाद मैं बात करूं तो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, उसके बीच आती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो या मोहरो विकिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर जानते हैं अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इन दोनों के बीच आती है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, REPETI, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो लोअर मेंटल और आउटर कोर, इसके बीच है गुटेन वर्ग विशॉर्ट डिसकंटिन्यूटी, द गैप इज कॉल्ड गुटेन वर्ग विशॉर्ट। इन आप सिर्फ गुटेन वर्ग भी यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बात करें आउटर कोर और इनर कोर की, तो आउटर कोर और इनर कोर के बीच दोस्तों जो गैप होता है उसे कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, डिस्कवर्ड बाय लेहमैन, इंगे लेहमैन, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ये थे कुछ गैप्स, कॉनरेट, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग विशॉर्ट एंड लेहमैन। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर आप कंटेंट ले सकते हैं। थैंक यू, और एट लास्ट वी कैन से दिस इज योर अन अकेडमी, सब्सक्राइब नाउ।